रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में दोनों तरफ से आरपार की लड़ाई चल रही है। पूर्वी यूक्रेन के लुहांस्क के कादविका शहर पर रूस ने जबरदस्त बमबारी की। यूक्रेन की फौज भी लगातार रूसी हमलों का पूरी ताकत के साथ जवाब दे रही है। जंग के बीच रूसी फौज को अपने जवानों की बगावत का सामना भी करना पड़ रहा है। ब्रिटेन के सेना प्रमुख ने कहा है कि रूस अब भी ब्रिटेन का सबसे घातक दुश्मन है और पूर्वी अमेरिकी राजदूत ने अमेरिका से यूक्रेन को और घातक हथियार देने की मांग की है। रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी खबरें आपको दिखाते हैं, रूस वर्सेस यूक्रेन टॉप नाइन। रूस यूक्रेन के बीच पिछले 146 दिनों से जंग जारी है। पिछले कुछ दिनों से रूस ने पूर्वी के साथ दक्षिणी यूक्रेन के इलाकों में भी हमले तेज कर दिए हैं। पूर्वी यूक्रेन के लुहांस्क के कादविका शहर पर रूस ने दो दिन पहले जबरदस्त बमबारी की थी। ये हमला इतना जोरदार था कि इसकी लपटें दो दिन बाद भी उठती दिखाई दे रही हैं। रूस ने यहाँ यूक्रेन के एक सैन्य गोदाम को भी निशाना बनाया। रूसी बमबारी में सैन्य गोदाम पूरी तरह से बर्बाद हो गया। जंग के मैदान में यूक्रेन की फौज भी लगातार रूसी हमले का पूरी ताकत के साथ जवाब दे रही है। यूक्रेन की फौज ने हमले में तबाह किए रूसी टैंक्स का वीडियो जारी किया है। यूक्रेन ने M777 होइट्ज़र तोप से रूसी सैन्य काफिले को तबाह करने का दावा किया है। यूक्रेन ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें रूस को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया है। यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूसी फौज को अपनी सेना के जवानों की बगावत का सामना करना पड़ रहा है। साइबेरिया के बैकाल झील के किनारे रूसी राज्य बुर्यातिया के जवानों ने यूक्रेन के खिलाफ जंग में जाने से इनकार किया है। एक रूसी न्यूज एजेंसी के मुताबिक बुर्यातिया के साथ जवानों ने यूक्रेन में युद्ध लड़ने से इनकार कर दिया है। इसके बाद कहा जा रहा है कि बगावत करने वाले जवानों को रूसी फौज के कमांडर की धमकी मिल रही है। ब्रिटेन के सेना प्रमुख सर टोनी राडकिन ने अपनी सेना को चेताते हुए कहा है कि रूस अब भी ब्रिटेन का सबसे घातक दुश्मन है। टोनी राडकिन ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन की सेहत और उनकी हत्या को लेकर लगाए जा रहे अटकलों और आशंकाओं को भी खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में पुतिन के बीमार होने की खबरें उड़ाई गयी, ये सब मनगढ़ंत चीजें हैं। पुतिन प्रोपेगेंडा के जरिए दुश्मन देशों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश में हैं। यूक्रेन के खिलाफ जंग को लेकर रूस ने अब रणनीति बदल दी है। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस हमले के अगले चरण में और ज्यादा आक्रामक रुख अपनाएगा। रूस अब यूक्रेन के सभी इलाकों में सैन्य अभियान को और तेज करेगा। रूस की बदली रणनीति को लेकर यूक्रेन कई तरह की आशंकाओं से घिर गया है। यूक्रेन ने हथियारों की कमी की बात कई बार कही है। अगर यूक्रेन को पश्चिमी देशों और अमेरिका से और हथियार नहीं मिले तो उसकी मुश्किलें बढ़ेंगी। जंग के बीच यूक्रेनी फौज के जवानों को ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड में खास ट्रेनिंग दी जा रही है। ब्रिटेन यूक्रेनी जवानों को अत्याधुनिक हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग दे रहा है। इसके साथ उत्तरी आयरलैंड में यूक्रेन के जवानों को रूसी हमलों का मुकाबला करने के लिए तैयार किया जा रहा है। यूक्रेनी फौज को अमेरिका में भी ट्रेनिंग दी जा रही है। इस बीच इटली ने यूक्रेन को कई बख्तरबंद गाड़ियां मदद के तौर पर भेजने के लिए तैयार की हैं। रूस में अमेरिका के राजदूत रह चुके माइकल मैकफोन ने रूसी हमले का मुकाबला करने के लिए यूक्रेन को और हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम यानी हिमरास देने की मांग की है। जंग के मैदान में अमेरिका से मिले इस घातक हथियार के दम पर यूक्रेन रूस को भारी नुकसान पहुंचा चुका है। इस बीच रूस ने दावा किया है कि उसके ताबड़तोड़ हमलों में यूक्रेन को अमेरिका से मिली कई हिमरास रॉकेट लॉन्चर को तबाह कर दिया गया है। रूस यूक्रेन में जारी जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से बात की और रूस के खिलाफ प्रतिबंधों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सैद्धांतिक सहमति की याद दिलाते हुए अपने फैसलों पर बने रहने पर जोर दिया। दरअसल कनाडा ने रूस जर्मनी के बीच गैस परियोजना नॉर्ड स्ट्रीम 1 के लिए रूसी कंपनी 6 टरबाइन की मरम्मत को अपने यहाँ करने की इजाजत दी थी। जर्मनी ने इसके लिए कनाडा से अपील की थी। कनाडा के इसी रुख को लेकर जेलेंस्की खुश नहीं है।